हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई uh, होप कि आप सब अच्छे होंगे तो uh, जैसे कि आपको मैंने ले ले लास्ट ब्लॉग में बताया था कि अभी यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में लेवल थ्री लॉकडाउन चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर से ही काम कर रहे हैं सो uh, so, आज है थर्सडे और uh, मैं इस वीक तो घर से काम कर रही हूँ लेकिन बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक मंडे से मुझे ऑफिस जाना है लेवल uh, थ्री रहेगा अभी वेंसडे तक नेक्स्ट वेंसडे तक बट कुछ काम है जो घर पर नहीं हो पा रहा है मुझसे वो मुझे ऑफिस जाके ही करना पड़ेगा तो मैं मंडे को ऑफिस जाऊँगी सो so, मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा सा ऐसे मैं आ, इतना रेडी होती नहीं हूँ लेकिन आज मेरा मन करा था रेडी होने का तो मैंने कहा कि रेडी हो जाए आज तो आज मैं रेडी हुई हूँ थोड़ा बहुत uh, तुम अच्छा फील करते हो जब तुम लाइक अपना अपने ऊपर मेकअप करते हो या तो बहुत ही अच्छा फील होता है और ये मेकअप आई थिंक मैं अभी मैंने किया है लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ हाँ तब से मैंने मेकअप नहीं किया उससे पहले भी लाइक मैं लाइट मेकअप भी करके जाती हूँ ऑफिस में भी और आप सब देखना चाहेंगे कि ऐश क्या कर रहा है देखिए अच्छा सो ही स्लीप्स ऑल द टाइम एज यू कैन सी रात को ये सोता नहीं है आता लेकिन दिन में सारा दिन सोता रहता है और रात को बार बार तंग करता है आवाज़ें निकालता है कि मुझे बेड पर लेके आओ जल्दी से क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड हो रहा है तो पहले तो बेड पे खुद ही आ जाता था लेकिन अब इसे हेल्प चाहिए होती है हमारी किसी की कि कोई इसे बेड पे रख दे मोस्ट ऑफ द टाइम ये रोहित को ही तंग करता है रात को सो क्या है इस व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँ तो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाली हूँ ये कैलेस्टिया अगर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग देर देर एड ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मैंने भी ये फेसबुक पर ही देख के मंगवाया है तो ये एक नए क्लीनस इसमें कैप्सुल्स हैं और अराउंड नो मैं कैसे हैं ये मैंने भी uh, इसे अभी ओपन भी नहीं किया है तो मुझे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ पहले इसको उसके बाद मैं ओपन करूँगी लाइक मेरे को हो गए हैं दो थ्री वीक्स पहले आया था ये तो मैंने इसे ओपन नहीं किया अभी तक और इसमें जो है ये अगर आप फेसबुक पे इसके रिव्यूज़ देखो तो लोगों ने आई डोंट नो कमेंट्स में बहुत आ, सारों ने लिखा था कि हमारे एक्नेस जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और ये लाइक पोर्स में हेल्प करता है और अगर आपके एक्ने होते हैं तुम्हारा आप हारमोनल इनबैलेंस की वजह से तो उसको उसके उस उन एक्नेस को भी ठीक करता है और मेरे जो हैं वो एक्नेस हारमोल हारमोनल इम्बेलेंस की वजह से ही होते हैं लाइक अगर मैं कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एक्ने को आ, सही करने के लिए तो वो नहीं फ़र्क पड़ता है तो आप में से भी काफ़ी ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे हारमोनस जब चेंज होते हैं तो उसकी वजह से भी एक्नेज़ होते हैं और कुछ ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं ब्लड प्योर नहीं होता है हम क्योंकि नफ वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं और ऐसे ही जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उससे भी जो एक्ने हैं वो हो जाते हैं तो इसका मैंने रिव्यू पढ़ा था फ़ेसबुक पे काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था कि हमारे एक्ने जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई किया अपने फेस पे लेकिन उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन ये प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिला है मुझे तो मैंने ये आ, इनका वैसे थ्री मंथ्स के भी आते हैं Uh, और ये ये जो है ये है फोर्टी फाइव डेज़ के लिए इसमें 90 कैप्सूल हैं तो इसे इन कैप्सूल्स को uh, हमें दो कैप्सूल लेने हैं दिन में और एक हमें सुबह लेना है और एक लेना है हमें शाम को जब हम डिनर करेंगे और इसे हमेशा uh, इसमें लिखा है कि इसे फूड के साथ ही कंज्यूम करना है uh, आप ऐसे खाली पेट नहीं खा सकते हो जब भी आप जैसे फर्स्ट बाइट लेते हो खाने की ब्रेकफास्ट में और डिनर में तो आप फर्स्ट बाइट के बाद इसी एक कैप्सूल खा लीजिए और अगर आप चाहो तो आप गर्म पानी से भी खा हाँ सकते हो क्योंकि उससे इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी लाइक सोलबल हो जाता है कैप्सूल जो होता है सो so, और इसके साथ मुझे एक गाइड मिली थी जिसमें लिखा था कि हमें लाइक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है उसमें क्या है कि हमें एक्सरसाइज करनी है और पानी आ, जो है वो इंटेक ज़्यादा करनी है अपनी और जो आ, शुगर प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम नहीं करने हैं और आ, हो सके तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो कंज्यूम कीजिए और और दो टाइम तो दिन में फेस वॉश करना है करना पड़ेगा करना चाहिए एक्चुअली <laughs> मैं करती हूँ अभी भी, भी लाइक एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले आ, तो अपना फ़ेस जो है वो क्लीन रखें और ज़्यादा टच ना करें फिंगर्स के साथ अपने फेस को और आ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन अगर हम ये सब वैसे भी करते हैं अगर एक्सर लाइक वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी डाइट प्रॉपर ले रहे हैं प्रॉपर पानी पी रहे हैं और शुगर आ, इंटेक नहीं ले रहे हैं तो हमारा नेचुरली ऐसा होता है कि फेस क्लीन होना शुरू हो जाता है मेरे साथ ऐसा होता है लेकिन हाँ अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ और मैं जंक फूड खा रही हूँ तो मेरे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं और बहुत ही गंदा लगने लग जाता है फेस तो अब जो है मेरा फेस थोड़ा सा रिकवर हुआ है पहले से नॉट हैविंग दीज कैप्सूल्स ये मैं स्टार्ट करूँगी कल से क्योंकि मैंने आपको ये पहले दिखाना था उसके बाद हमें हाँ, आपका मैं अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ लाइक आफ्टर टेन ट्वेंटी डेज के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या कैसे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं ताकि आप लोग भी अपने पैसे स्पेंड करने से पहले आप थोड़ा सोच लें क्योंकि मैंने आ, बड़ी जो बॉटल थी इसकी वो चीप है इसे लाइक उसमें आ, थ्री मंथ्स की सप्लाई है और वो हंड्रेड एंड सेवन डॉलर्स की है अभी इस टाइम पे और जो मैंने ली है वो है सेवेंटी फाइव डॉलर्स की लिया मैंने ये वाली तो जो आ, जो थ्री मंथ्स की सप्लाई है तो वो रिलेटिवली चीप है इसे लेकिन मुझे लगा कि कहीं स्कैम ना हो तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ मंगवा के तो मैंने इसलिए ये सेवेंटी फाइव uh, डॉलर्स में ये वाली मंगवाई है और इसे मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे बैक में भी थोड़े एक्ने हैं तो इसमें लिखा है कि ये सारे लाइक हार्मोनल एक्नेज जो भी कोई किसी भी टाइप के एक्नेज है वो वो ठीक कर देते हैं ये कैप्सूल्स तो मैं कल से लेना शुरू करूँगी और आपको मैं आफ्टर टेन डेज या आप ऐसे अपडेट देती दे रहूँगी कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है वाकई में या नहीं और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अपनी स्किन को जितना हो सके वो आप सन से दूर रखें यूवी यूवी रेस से बचाएं अपनी स्किन को आ, और जब भी बाहर जाते हैं तो आ, कोई भी सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर अप्लाई करके जाएं और और अल्कोहल कंजम्पशन उसमें गाइड में लिखा था कि अल्कोहल कंजम्पशन ना करें उससे भी काफ़ी क्योंकि उसमें शुगर होती है अल्कोहल में और वो आपको ब्लॉटेड फील करवाती है तो आप कोई भी बेयर या अगर आप एल्कोहल पीते हैं तो वो आप लेस लेस शुगर वाली पी सकते हैं लेस कैलोरीज वाली और और हाँ कॉफ़ी कॉफ़ी ड्रिंक नहीं करनी है कॉफ़ी आप ले सकते हैं लेक वीक में एक बार उससे क्या होता है कि um, कॉफ़ी एक तो uh, जब आप पीते हो तो कईयों को जो कैफीन होता है वो वैसे भी कैफीन तो ऑब्वियसली हाँ हमारी हमें एनर्जी देता है और हमें थोड़ा जगा के रखता है लेकिन तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को सोने में प्रॉब्लम हो जाती है तो नींद नहीं आती है और ऐसे भी मैंने सोना है जैसे कि अगर हम प्रॉपरली सोते नहीं हैं तब भी हमारे एक्नेस जो हैं वो बहुत आ जाते हैं अगर हम स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो हमें मैक्सिमम सेवन एट आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है तो इसलिए कैफिन को भी थोड़ा अवॉइड ही रखें अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हैं और वैसे भी अगर आप ये कैप्सूल्स नहीं भी ले रहे हैं तब भी आप पानी वगैरह पीते रहें खूब और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये सब खाएँ और मैंने ये थोड़ी हैबिट बनाई है वन मंथ हो गया है और मैं काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ अपनी बॉडी में और अभी लॉकडाउन आया तो यहाँ पे जिम्स जो हैं वो सारे बंद हो रखे हैं तो हम तो हमने क्या किया था हम जैसे ही लॉकडाउन पहले वाला ओपन हुआ था तो हमने थोड़े से वेट्स जो थे वो बाय कर लिए थे और वो जबकि मुझे ऐसा लगा पहले मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो लेकिन हाँ अभी लेवल थ्री पे जब न्यूजीलैंड है तो जिम्स बंद हैं सभी तो मुझे अब इम्पॉर्टेंस नज़र आ रही है इनकी <laughs> तो बहुत ही अच्छा किया हमने जो ये पेट्स लेके रखे हुए हैं तो पहले हम लाइक दो वीक्स ही हुए थे मैं जिम गए हुए और उसके बाद अभी ये लॉकडाउन हो गया और फिर नहीं तो रूटीन बिगड़ जाती लेकिन फिर हमने ये कंटिन्यू रखा हम घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉर्निंग में और कभी कभी टाइम मिलता है तो आ, हम वॉक पे भी चले जाते हैं शाम को लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है तो फिर वो टायर्ड फील करते हैं बाद में आके फिर शाम को हिम्मत नहीं हो पाती है तो नहीं हम वॉक कभी कभी नहीं भी करते हैं लेकिन हाँ हम हेल्दी खा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं मॉर्निंग में मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी अपनी वर्कआउट रूटीन भी शेयर करूँगी सो so बहुत ही जल्दी मैं वो वीडियो लेके भी आऊँगी आपके साथ सो so मैं आपको बेसिक से वेट्स दिखाती हुई जो हमने बाय किए हैं लाइक अगर आप भी जिम नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इन वेट्स के साथ और मैं जल्दी ही शेयर करूँगी कि कैसे जो है आप घर पर भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं सो so ये कुछ वेट्स हैं जो हम लेके आए थे सो ये कुछ प्लेट्स हैं ये टेन टेन के जी की प्लेट्स हैं और ये टू पॉइंट फाइव की हैं वो पीछे वन पॉइंट फाइव की पड़ी हुई है और ये जो है ये पुशअप्स के लिए है जब तुम पुशअप्स करते हो तो उसको लाइक like, सपोर्ट में रख के कर सकते हैं पुशअप्स और ये डम्बल है, तो हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती हैं इससे और हमने ये कुछ रोड्स और वेट्स लेके रखे हुए हैं और ये भी वेट ये भी डम्बल्स हैं ये दो डम्बल्स आप देख रहे हो और ये दो जो हैं ये आ, हमने रोड्स लेके रखी हुई हैं जो ये वाली है ये ये कर्ल वाली है और वो जो है वो स्ट्रेट है तो बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती हैं और मैंने बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है आज सुबह भी सो so, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वर्कआउट रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ वाई नॉट अगर मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो आप भी घर पे कर सकते हैं और जो आज का वेदर है वो बहुत ही गंदा हो रखा है सुबह so, लाइक uh, like, उस दिन जिस दिन मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला है उस दिन आप देखो तो इतना अच्छा वेदर था उस दिन लाइक वो दो दिन बहुत अच्छा रहा और उसके बाद मंडे से ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर अभी थोड़ी धूप आई है लेकिन थोड़ा मौसम ऐसा ही है ठंड है हो रखी काफ़ी विंटर्स चल रही हैं अभी यहाँ पे तो विंटर्स में थोड़ा बारिश ज़्यादा रहती ज़्यादा रहती है सो so, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको विंटर्स अच्छी लगती हैं कि समर तो बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से सो so, थोड़ी सी धूप अभी आई है इतनी भी नहीं अच्छी धूप लेकिन ऐसे ही है मौसम आज और मैं आज वॉशिंग करने का सोच रही हूँ शाम को वॉशिंग करूँगी क्योंकि अभी रोहित ने भी आना है तो थोड़े कपड़े वो भी हो जाएंगे तो इसलिए मैंने मशीन भी नहीं लगाई सुबह से लेकिन मैं अभी लगाऊँगी और मेरी दो बजे मीटिंग भी है उसका भी मुझे ध्यान रखना है तो अभी टाइम हुआ है एक दस हो रहे हैं लेकिन दो बजे है मीटिंग तो वो हमारी जूम मीटिंग होती है कभी कभी वीक में क्योंकि अभी घर से काम कर रहे हैं इसलिए तो वो मीटिंग अटेंड करनी है और लंच मैं आज कुछ करने नहीं वाली हूँ मैंने ब्रेकफास्ट अभी लेट ही किया था और ब्रेकफास्ट में मैंने आज खाया था पॉडेज और बहुत ही ईजी से बनाना मैं उस वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने वो खाना शुरू किया है मंडे लाइक मॉर्निंग के टाइम और उससे लाइक फुल भी रहता है और ऐसा लगता है कि लाइक कुछ गलत खाने का भी नहीं होता है जब और वो टेस्टी भी होता है लाइक जिस टाइप से मैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी जल्दी दिस ब्लॉग में आऊँ और मैं आपको मिलती अब नेक्स्ट ब्लॉग में और आई एंड डेफिनेटली ब्रिंग अ गुड कंटेंट दिस टाइम एज़ वेल आफ्टर कमिंग बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ऑन यूट्यूब अगेन तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सो स्टे सेफ एंड बी काइंड सी यू बाय